That's why 11th, 12th self study बहुत बोलते हैं सर। सर तो instrument इतने कम है ना कि होते नहीं है एक भी। अच्छा चलो तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। हमने समझ लिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमने समझ लिया है कायरालिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिटेंशन। रिटेंशन बहुत इजी मतलब बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा है। ओके हाँ ये रहा। सो रिटेंशन तो बहुत ही इजी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा है। देखो पढ़ते हैं। रिटेंशन ऑफ अ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर। असिमेट्रिक सेंटर मतलब जिसके सब कोई अलग अलग होंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं अभी हमने एक समझा था ना, कहां गया ये था नहीं, ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन है क्योंकि हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इथाइल है और फिनॉल है, तो असिमेट्रिक हो गया। ये जो असिमेट्रिक है उसमें एक फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी सबकी जगह फिक्स रहे। ओके मतलब कि ये तीनों के तीनों फिक्स, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी से किसके साथ करवाऊं, HCl के साथ करवा दी। इसकी रिएक्शन मैंने HCl के साथ करवा दी तो क्या होगा, H2O पानी निकल गया। ओके कैसे पानी निकल गया, ये OH और ये H, तो H2O निकल गया, ये Cl यहाँ पे बैठ जाएगा तो बनेगा क्या, ये C ऊपर H था तो ऊपर H, यहाँ पर CH3 था मिथाइल, यहाँ पर इथाइल था C2H5 और यहाँ पर आ गया क्लोरीन। तो ये जो ग्रीन कलर का है और ये जो ग्रीन कलर का है दोनों में देखो असिमेट्रिक कार्बन में ये सेम ही है सब कुछ, ये तीनों तीन सेम, जो चेंज हुआ है वो चेंज हो गया, दैट्स इट। तो ये तीनों ने मतलब जो तीन एलिमेंट है और एटॉम है और मॉलिक्यूल है व्हाटएवर, ओके जो ग्रुप्स है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखे हुए हैं, ओके जैसे थे वैसे ही, केमिकल रिएक्शन के बाद भी, केमिकल रिएक्शन के पहले ऐसे थे और बाद में भी वैसे ही है वो लोग, तो सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ है, दैट्स इट, ये रिटेंशन है, खत्म, डन। ओके फिर से एक बार पढ़ लेता हूं तो समझ में आ जाए। रिटेंशन इज द कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन क्या है, कॉन्फिगरेशन है मतलब अरेंजमेंट्स, इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट्स। ये जो स्पेशियल मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसका प्रिजर्वेशन मतलब वैसे का वैसा ही, ये प्रिजर्वेशन क्या, ऑफ बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर। असिमेट्रिक सेंटर पहले ही बात है, असिमेट्रिक की बात है, तो असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, डन, यही रिटेंशन है। In general, if during a reaction no bond to stereo center is broken, stereo center मतलब again, stereo center मतलब asymmetric, उसी का तो दूसरा word है, तो ये asymmetric है और इसी यही है stereo center, okay, so अगर reaction के time पर no bond to the stereo center is broken, the product will have the same general configuration of the group around the stereo center as that of the reactant. Such a reaction is said to proceed with retention of the configuration. मतलब सिर्फ और सिर्फ ये OHCl है, क्या बात है? हाँ तो यही है, हमने जो डिस्कस किया वही एग्जाम्पल, ओके सेम डिटो वही एग्जाम्पल है, हाँ सो ये ऐसा होगा, सच ए रिटेंशन इज सेड टू प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। कंसीडर तो वही एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कंसीडर एज एन एग्जाम्पल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन माइनस मतलब लीवो, ओके सो लीवो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई ये इसको हमने हीट किया है, क्या है 2 मिथाइल, नहीं रे सेम नहीं है, इनका 2 मिथाइल है तो फिर कॉन्सेंट्रेट कैसे हुआ, अरे नहीं ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, दिस इज 1, ये मिथाइल और ये इथाइल असिमेट्रिक ही है, करेक्ट है, ओके असिमेट्रिक मतलब क्या सब जगह अलग अलग होना चाहिए तो अलग अलग ही है, हाँ तो हमारा जो एग्जांपल है अलग है, क्यों अलग है, CH2 भी है, CH2 भी है तो 1 2 3 4 और फिर OH भी है,
OHCH2 के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ तो अलग है, यस अलग है, लेकिन हम ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, सो टू म्यूटाइल ब्यूटेन वन ऑल, और हमारा क्या है, ये है उन्होंने लिया है टू मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल, और हमारा क्या है, ये वन टू थ्री और फोर, तो हमारा है ब्यूटाइल और ब्यूटेन है, ब्यूटेन और अल्कोहल है, तो ब्यूटेन टू ऑल और आगे कुछ है नहीं, तो ब्यूटेन टू ऑल है हमारा, डन। ओके हाँ, सो वो हमने लिया HCl के साथ रिएक्शन करवाई, HCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा, H2O निकल गया, क्लोरीन ऑक्सीजन मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह आ गया, तो ये बाकी सब जैसे थे डिट्टो वैसे के वैसे ही रहे, जो हमने यहाँ समझा वही चीज है। ओके कंपाउंड अलग अलग लिए हुए हैं सिर्फ, ओके एक बीच में CH2 और ज्यादा है और कुछ नहीं, तो यही है हमारा क्या, रिटेंशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कंफ्यूगरेशन एट अ सिमेट्रिक सेंटर इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज सेम बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज्ड इन द प्रोडक्ट। तो क्या हो गया, ध्यान देना, हमने तो साइन की बात ही नहीं की, लेकिन होगा क्या, अगर ये लीवो है तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो, और अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये हो जाएगा लीवो। ओके चलो, दिस इज सो बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन एट असिमेट्रिक सेंटर मे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, यस, सो वन मे बी डेक्स्ट्रो रोटरी और अदर लीवो रोटर, सिंपल था, यही है रिटेंशन, कुछ था नहीं, मैंने बोला ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे है, OH निकला, क्लोरीन आ गया, खत्म, डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यहां तो हम थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री हम समझ रहे हैं कि थ्री डायमेंशन में वो किस तरह कैसे कैसे अरेंजमेंट होगी, स्पेशल अरेंजमेंट, तो जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सचेंज होने वाला है, हाइड्रोक्सिल जाके क्लोरीन आने वाला है, तो बस उतना ही आएगा। ओके लेकिन एक चीज हो जाएगी, ऑप्टिकली उनकी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब एक डेक्स्ट्रो कंपोनेंट कंपाउंड है तो हमें मिलेगा कौन, लीवो कंपाउंड मिलेगा, लेकिन कार्बन कौन सा लेना है हमें, असिमेट्रिक, देखो यहां पर भी एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, और एक तो CH2OH वाला ग्रुप है, डन, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर, यही था रिटेंशन, छोटा सा ही था, समझ में आ गया ना, ओके yes. okay.